कदवा पुलिस ने पकड़ा टोला में छापेमारी कर 64 किलो गांजा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। नवगछिया के कदवा पुलिस ने सोमवार की अहली सुबह गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा टोला कदवा में छापेमारी कर बड़ी सफलता पाई है, जहां करीब 6 बजे शाम सुंदर सिंह व उनके भाई राजेश सिंह के घर छापेमारी कर ट्रंक वाला बक्सा के अंदर व मकान के छज्जी के ऊपर छिपा कर रखे प्लास्टिक के 7 बोरे में 27 पैकेट गांजा बरामद किया है। वहीं एक प्लास्टिक में खुले बोरे में भी गांजा मिला है। फिर दूसरी बार करीब 10 बजे पकड़ा टोला में छापेमारी की तो वहां से करीब 3 किलो गांजा बरामद किया गया है। वहीं जब तीसरी बार गुप्त सूचना मिलने पर कदवा पुलिस ने पकड़ा टोला कदवा में छापेमारी की तो 375 ML 7 बोतल विदेशी शराब गांव के पीछे खेत में लावारिस मिला। इस छापेमारी टीम में कदवा ओपी थाना के हवलदार उमेश शर्मा, BMP 15 रजनीश रंजन, अजय कुमार शाह, मिथुन कुमार, नीरज कुमार चौधरी, संतोष पंडित के साथ ढोलबज्जा थाना के थाना अध्यक्ष लक्ष्मण राम भी अपने पुलिस बल के साथ शामिल थे। कदवा थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि छापेमारी में कुल गांजा 64 किलो 125 ग्राम बरामद किया गया है। गांजा तस्करी के मामले में मौके पर से एक युवक श्याम सुंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस धंधे में कई अन्य नकाबपोश लोग भी संलिप्त हैं। थाना अध्यक्ष ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है, इसमें जो भी संलिप्त पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं गिरफ्तार युवक को मंगलवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8228956905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर।